हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास टेंथ की इलेक्ट्रिसिटी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिनके एग्ज़ाम में आने की 100% चांसेस हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर डिपेंड ऑन, कहते हैं कि जो मेटेलिक वायर की इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है। ए ऑप्शन इज इट्स लेंथ, बी इज इट्स थिकनेस, सी इट्स शेप, डी इज नेचर ऑफ मटेरियल। सो इसका राइट आंसर है डी, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। सो स्टूडेंट, एक बात याद रखना कि इन एमसीक्यू के आंसर आपने मुझसे पहले देने हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है। और हाँ, अगर आपका कोई एमसीक्यू गलत होता है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड क्रॉस अननोन रेजिस्टर, देयर इज करंट ऑफ 100 mA इन द सर्किट, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। कहता है कि एक 4 वोल्ट की बैटरी है, उसे हमने कनेक्ट किया है एक अननोन रेजिस्टर के साथ, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है 100 mA का। तो बताना है कि उस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है। सो ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है बच्चों, आपको न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू भी आ सकती है। सो अगर हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो आपको पता है कि वोल्टेज एंड करंट में क्या रिलेशन है। वोल्टेज एंड करंट में, वोल्टेज वी नो दैट वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो हमारी वोल्टेज है, वोल्टेज इज इक्वल टू 4 वोल्ट एंड करंट इज इक्वल टू 100 mA, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर। So V is equal to 4, repeat V is equal to 4 and current is 100 mA. So current को student पहले ampere में current को convert कर लो। So एक मिली एम्पियर में कितनी एम्पियर होती हैं, 1/1000। So इसे अगर हम कट करेंगे तो we will get 0.1 ampere, that means हमारा जो current है वो 0.1 का है, and we will can find the value of resistance. 4/0.1 is equal to R. So हमारा आंसर आ गया 40 ओम, ठीक। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी बी, दैट इज 40 ओम। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन इज वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज मेल्ट एंड डी कास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी। सो इसमें स्टूडेंट आपको जो लेंथ है वो हाफ दे रखी है, और हमने न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है। सो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सो इस वाले क्वेश्चन में हमें जो एल थी वो क्या गिवन थी, हाफ, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ हम मान लेते हैं एल, और न्यू वाली लेंथ एल डैश, एल डैश इज इक्वल टू एल बाय टू, एंड न्यू एरिया वी विल गेट ए बाय, सॉरी, 2 into a। अगर लेंथ हाफ होएगी हमारा एरिया जो है डबल हो जाएगा। सो अगर हम न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं आर डैश, रो जो होता है रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, जो तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। एल की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पहले आप नहीं तो फॉर्मूला लिख लो, हमारा न्यू फॉर्मूला बन गया आर डैश रो एल डैश ए डैश। नाउ पुट द वैल्यूज, आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाय 2 a, एंड वी विल गेट रो एल 2 to the 4, ठीक है। और जी वाली वैल्यू हमारी कौन सी वैल्यू है, दिस वन। सो हमारा आंसर क्या आ गया, आर बाय 4, दैट इज हमारी जो न्यू वाली रेजिस्टेंस है वो क्या आ गई, आर बाय 4। सो हमारा आंसर इज ए, दैट इज आर बाय 4। Now move toward the question number 4, that is the equivalent resistance in series combination. कहता है कि जो हमारी equivalent resistance होती है series combination में वो smaller है than largest resistance, B is smaller than smallest resistance, C is larger than largest resistance, D is larger than smallest resistance. So इसका right answer is C, that is larger than largest resistance. क्योंकि हमें पता है कि सीरीज में हमारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कॉम्बिनेशन होती है ऑल रेजिस्टेंस का।
So that's why answer will be C, that is large than largest resistors. So fifth question is, resistivity does not change if कहता है कि resistivity हमारी change नहीं होएगी अगर क्या हो जाए. Material is change, temperature is change, shape is change, D is both material and temperature is change. So इसका right answer is C, that is shape is change. Clear? Now the sixth one is, unit of current electric power is, electric power का क्या unit होता है? We know that electric power is equal to V into I, and we know the unit of voltage is volt and unit of current is ampere. So right answer is A, that is volt ampere. Seventh is, electric kettle consume 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt. A fuse wire of what reading must be used for it? So, इसके लिए हम क्या use करेंगे? फिर से numerical आ गया, फिर से formula use करना पड़ेगा, ठीक? So, इसे कैसे solve करेंगे? देख लेते हैं. We know that I is equal to P by V. और इस numerical में हमें power given है 1 kilowatt की. So 1 kilowatt में कितने watt होते हैं? 1000 watt. और हमें voltage क्या given है? Voltage is 220 volt. ठीक है? So current क्या हो जाएगा फिर? 1000 divided by 220. जब आप इसको solve करोगे तो आपका answer आएगा 4.5 something आएगा. So इसको round off करने के बाद हम इसका right answer लिखेंगे D, that is 5 ampere. Clear? इतना तो बच्चों को पता है कि थोड़ा इधर उधर decimal का हो जाता है. So इसका answer D रहेगा 5 ampere. So the eighth question is, which of following term doesn't represent power? इसमें से कौन सा formula power को represent नहीं करता है? So answer is B, that is I R squared. So the ninth is, which of following represent voltage? इनमें से कौन सा formula है जो voltage को represent करता है? So answer is A. Tenth is, rate of flow of electric charge is, charge के flow को हम क्या कहते हैं? Answer is B, that is electric current. सो स्टूडेंट आपको ऐसे ही डेफिनेशन के ऊपर बहुत से एमसीक्यू रह सकते हैं, जैसे कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, वोल्टेज की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है. सो आपने एक तो डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है, प्लस आपको सभी क्वांटिटीज के यूनिट्स भी रिमेंबर करके जानी है, जैसे करंट क्या का यूनिट होता है, पावर का यूनिट क्या है, ठीक है, हीट के यूनिट क्या रहते हैं, फिर आपकी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, वोल्टेज का यूनिट क्या है, सभी के यूनिट्स आपने रिमेंबर कर लेनी है. मैंने सभी के यूनिट्स और जो सभी यूनिट्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस वीडियो में नहीं डाले हैं, क्योंकि मुझे था मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी. एक दो क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं क्योंकि मेरा मोटिव इस वीडियो में आपको बताना ये है कि आपको किस टाइप के वो एमसीक्यू डाल सकते हैं, और इसके रिलेटेड आपको कि जितने भी एमसीक्यू रहेंगे आपको सॉल्व करके जाने हैं. क्लियर? So the 11th is, the instrument used for measuring current. Yes, इसमें है 11th question, कौन सा instrument है जो current को measure करता है? So answer है C, that is ammeter. Similarly आपको पूछ सकते हैं कौन सा instrument है जो voltage को measure करता है, फिर क्या हो जाएगा? Voltmeter. ऐसे पूछ सकते हैं कौन सा instrument है जो current को detect करता है, तो वो है हमारा galvanometer. Clear? So the 12th is, the obstruction offered by material of conductor is passes of current. कौन सा मटेरियल है जो करंट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, दैट इज रुकावट. तो रुकावट को रेजिस्टेंस ही बोलते हैं. सो आंसर इज ए, रेजिस्टेंस. स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड दी 13 वेरी लास्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ. इनमें से कौन सा है जो ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन में यूज नहीं होता है? वोल्टमीटर, एमीटर, रियोस्टेट, गैल्वेनोमीटर. आंसर क्या है? डी. डी को लॉक कर दिया जाए. यस, आंसर इज डी, दैट इज गैल्वेनोमीटर इज नॉट यूज्ड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ. सो ये थे बच्चे आपके जो 13 एमसीक्यू. सो मुझे फटाफट बताओ आपके कितने स्कोर रहे हैं. सो एक बार आप ओवरव्यू ले लो इन एमसीक्यू का, और हाँ अपनी कॉपी पर जरूर नोट डाउन कर लेना, सो दैट आपको एग्जाम में बहुत ही आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है.
सो अच्छे से अब अपनी प्रेपरेशन करके जाना बोर्ड में और अच्छे अच्छे स्कोर लेकर आना और मुझे बताना कि आपने साइंस में कितने स्कोर किए हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर पर एमसीक्यू की वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है? आई विल अपलोड। ठीक है बच्चों, फिर आपके एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, अच्छे से उनकी तैयारी करते रहो। और जो टिकटॉक व्हाट्सएप चलाती हो उनको चलाना बंद कर दो, 2 महीने सीरियसली होकर पढ़ लो, आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, डोंट वरी, ऑल द बेस्ट।